हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक साल बाद जोधपुर के मोहनपुरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू। 13 करोड़ की लागत से हुआ पूर्ण निर्माण। शहर की सबसे व्यस्त रहने वाली नई सड़क और सोजती गेट को रातानाड़ा क्षेत्र से जोड़ने वाला मोहनपुरा ओवरब्रिज बनकर तैयार होते ही इसे शुरू करने को लेकर विवाद हो गया है। शहर में बुधवार को कुछ उत्साही लोगों ने एक साल में 13 करोड़ की लागत से नए सिरे से बनाए गए इस पुल को पूजा कर खोल दिया। वहीं प्रशासन इसका औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर को करने की तैयारी में जुटा है। इसके साथ ही जोधपुर शहर को एक नई सौगात मिल गई। करीब 134 साल पुराना मोहनपुरा फ्लाईओवर काफी जर्जर हो चुका था। गिरने की कागार पर पहुंच चुके इस फ्लाईओवर को नए सिरे से बनाने का तय कर गत वर्ष इसे गिरा दिया गया। एक वर्ष तक चले निर्माण कार्य के बाद अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आज सुबह क्षेत्र के एक व्यापार संगठन ने अपने स्तर पर पूजा करवाकर ओवरब्रिज को शुरू करने की घोषणा कर दी। वहीं जिला प्रशासन ने इसे 2 अक्टूबर से विधिवत रूप से शुरू करने की योजना बना रखी है। इसके लिए ओवरब्रिज पर रंग रोगन से जुड़े कार्यों को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण हो चुका है तो फिर शुरू करने में देरी समझ से परे है। ऐसे में कुछ लोगों ने आज पूजा पाठ कर इस पर लगे बैरियर हटाकर यातायात के लिए शुरू करवा दिया। अब इस पर यातायात चल रहा है। मोहनपुरा ओवरब्रिज का कार्य चलने के कारण रातानाड़ा क्षेत्र से शहर की तरफ आने वाले लोगों को काफी घूम कर आना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि 134 वर्ष पूर्व शहर में रेल लाइन बिछाने के साथ ही लाइन की दूसरी तरफ रहने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रख इस ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। उस समय इसकी लागत 5.15 लाख रुपए ही आई थी। अब नए सिरे से इसे तैयार करने पर 13 करोड़ रुपए का खर्च आया है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।